नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम देख लेते हैं कि स्कूल कॉलेज का लोगो बनाकर अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसको हम थंबनेल में देख लिए होंगे, इसको हम साइड करते हैं। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से सेव टूल लेंगे, कंट्रोल के साथ इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ ड्रॉ करते हुए इसको पेज के सेंटर में रखेंगे, पी प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे, फिर हम शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद एक हम कॉपी करते हैं, इस बाहर वाला को कॉपी करके यहाँ रखते हैं, राइट क्लिक करके माउस को छोड़ देते हैं। बाद इस लोगो को हम थोड़ा इधर रखते हैं, चलिए इसको हम यहाँ रख के बाद हम फिर जाएंगे यहाँ शेप में रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर एक रेक्टेंगल छोटा सा ड्रॉ करते हैं। उसके बाद शेप टूल पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ क्यों कन्वर्ट टू क्रॉप। उसके बाद इस पॉइंट यहाँ पर जाएंगे राइट क्लिक करके एड पॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे एड पॉइंट करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को इधर की ओर कर देंगे, यहाँ से इस पॉइंट को इधर की ओर कर देंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। उसके बाद इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए, 90 डिग्री पर हमने इसे रोटेट कर दिया। उसके बाद इसका कोई आप लोग को कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दीजिएगा। उसके बाद इसको हम थोड़ा और छोटा कर, हम थोड़ा छोटा कर इसको घुमा लेते हैं हम। आप लोग इसको अच्छी तरीके इस लाइन पर एडजस्ट कीजिएगा, हम इस लाइन पर चलिए इनको एडजस्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, इस लाइन पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इस पर डबल क्लिक करके इस पॉइंट जो बनता है, इस पॉइंट को हम बीच सेंटर में रखेंगे। चलिए देखिएगा, सेंटर में आ जाइएगा तो ऑटोमेटिक माउस सेंटर पर क्लिक आ जाएगा। उसके बाद इसको ट्रैक करके माउस के राइट क्लिक कर छोड़ दीजिएगा इस एक पॉइंट पर। इसको देखिए, इसको हमने सेंटर पर दे दिया। उसके बाद एक पॉइंट एक कॉर्नर पर जाइएगा, इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक रखते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक पूरा भर जाएगा। चलिए हमने इसे भर लिए। उसके बाद जूम करके इस लाइन को हम बाहर करते हैं। उसके बाद इसको ड्रैग करके इसको लाते हैं यहाँ, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। चलिए हमने इसे ग्रुप कर लिया, इसको यहाँ पर रखते हुए शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं। चलिए और थोड़ा हम छोटा करते हैं। उसके बाद इसको हम इसमें एडजस्ट करेंगे, जो काम कीजिएगा आप शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो एक सीधी डायरेक्शन में जाएगा। चलिए इसको हम एडजस्ट करते हैं। चलिए हमने इसे इसके दे दिए। उसके बाद हम चल इस शेप को लेंगे, इस शेप को इस पर रखेंगे, इस शेप को पी प्रेस कर देंगे, इस पेज के सेंटर में ये शेप भी चले जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको ट्रैक करेंगे और इसको छोड़ देंगे, वैसे राइट क्लिक माउस का मत कीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से फ्री हैंड टूल लेंगे, यहाँ से एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पर क्लिक कर दे। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल लीजिएगा, एक बार लिया क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो कलर लेना हो, चलिए हम ये कलर लेते हैं, एक बार क्लिक कर दीजिएगा, चलिए आ गया। उसके बाद इस शेप को पकड़ते हैं बाहर कर, इस शेप को डिलीट कर दे, फ्री हैंड टूल को भी हम सॉरी फ्री हैंड टूल जो लिए थे इसको हम ड्रैग करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम चलते हैं शेप में रेक्टेंगल, इसको एक ड्रॉ करते हैं छोटा सा रेक्टेंगल। उसके बाद इस रेक्टेंगल को यहाँ रखते हुए इसके साइज से मिला देंगे, कितना बड़ा हमको रेक्टेंगल रखना है। चलिए इतना बड़ा हुआ, इसका कलर हम ये भर दिए, या तो यही कलर अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इस टूल को सेलेक्ट कीजिएगा, एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर उस शेप पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कलर आ गया। उसके बाद शेप टूल पर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल के साथ क्यों प्रेस कीजिएगा कन्वर्ट टू क्रॉप, इस पॉइंट बीच में क्लिक करके यहाँ जाइएगा, माउस का राइट क्लिक करके एड पॉइंट करके इस पॉइंट को ऊपर की ओर ट्रैक कर दीजिए। चलिए इसको हमने कर दिए। उसके बाद इसको और थोड़ा हम ऊपर करते हुए इनको हम यहाँ सेटल कर दिए। उसके बाद यहाँ ट्रैक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। चलिए एक और हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का इमेज देते हैं, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप डाउनलोड करके रखे होंगे तो आ जाएगा, हमने इसे डाउनलोड करके रखे हैं इस इमेज को। उसके बाद इस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, शिफ्ट के साथ इस फोटो को साइज बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए ये देखिए इतना बड़ा ठीक है। उसके बाद इस फोटो को पकड़े हुए राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसर्ट पर जाकर और यहाँ इसी के अंदर इसको पावर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हमने इसे पावर क्लिक कर दिए। अगर आप लोग इसे और एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसे और एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद फिर से यहाँ सही का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद हो गया।
उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, टेक्स्ट टूल लेंगे एपाइट से, उसके बाद लिखते हैं हम काइजर कंप्यूटर, आप लोग लिख लीजिएगा जो इंस्टीट्यूट का नाम देना है। हमने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया, यहाँ से एरियल ब्लैंक कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चलिए हमने इतना बड़ा कर लिया, उसके बाद इस पर देखते हैं इस टैक्स को यहाँ एडजस्ट होता है, थोड़ा और हम इसे छोटा करते हैं। चलिए इसको हो गया, उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट रखते हुए जूम कर लीजिएगा, जाइएगा टैक्स पर, उसके बाद फिट टू टैक्स पार्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए एडजस्ट हो गया। एक बार इसे क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका कलर हम अभी वाइट कर देते हैं। चलिए ये देखिए एक छोटा सा हो गया, इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, इस कॉर्नर से इनको बड़ा कर लीजिए अच्छी तरीका से। चलिए हो गया, इसका कलर हम देखते हैं दूसरा करके, नहीं नहीं वाइट कलर इसका अच्छा लगता है। उसके बाद चलिए ये हो गया, उसके बाद चलिए हम दूसरा बनाते हैं। इसके बाद चलिए इसमें हम एक ये कलम और किताब का चिन्ह लगाते हैं, वो तो हो गया था। उसके बाद उसको हमने डिलीट कर दिए, यहाँ पर जाइएगा टैक्स पर, यहाँ पर कंट्रोल के साथ एप्पल A1 है, इंसर्ट कैप्चा इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा आप लोग W प्रेस कर दीजिएगा। W प्रेस करने के बाद चलिए हमने इसको कलर कर दिए, उसके बाद हम यहाँ से कोई दूसरा और कलम वाला ले लेते हैं, चलिए आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ से हम लेते हैं, हमने कोई दूसरा और लेते हैं, हमने इसे ले लिया, इसका साइज बड़ा कर दिए, इसका कलर भी पीला कर देते हैं। हो गया, इस कलम को यहाँ पर डायरेक्शन करते हुए इसका हल्का छोटा कर लेंगे इस कलम को, उसके बाद इसको पकड़ के इस शेप के अंदर हम डाल देंगे, ग्रुप करके इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं। चलिए डाल दिए, उसके बाद अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।